हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सपना मास्टर आयल्स। 30th अक्टूबर आयल्स एग्ज़ाम प्रेडिक्शन की ये वीडियो आपको ज़रूर ये बताएगी कि कौन से क्वेश्चंस राइटिंग टास्क आ सकते हैं, किस तरह की रीडिंग होगी, किस तरह की लिस्टिंग होगी। आपने ये देखा होगा कि हमारे प्रीवियस रिव्यूज़ हमेशा से सही रहे हैं, और इसमें आयल्स एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन में 30th अक्टूबर में किस तरह की राइटिंग टॉपिक्स जो मैं बताने वाली हूँ वो ज़रूर चेक करना बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, और ज़रूर देखें प्रीवियस रीडिंग्स एंड राइटिंग टास्क क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल और एकेडमिक की है, लिसनिंग में ईजी होगा, ओवरऑल जो है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल की रहेगी, बिकेज इसमें आएंगे फिलअप्स, इसमें आएंगे MCQs, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स या फिर मैप। इसमें फास्ट हो सकते हैं आपके सेक्शन टू या सेक्शन थ्री, और आप इसको 1.5 तक इंक्रीज़ करके स्पीड इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीडिंग फिलअप्स या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एकेडमिक के लिए मैच द हेडिंग्स आ सकते हैं, जिसमें विच पैराग्राफ या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो सकते हैं। ओवरऑल इसका मॉडरेट लेवल रहने वाला है। शॉर्ट नोट कम्प्लीशन या समरी कम्प्लीशन या येस नो नॉट गिवन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। देन आपको वेबसाइट्स बताना चाहूँगी जिसमें से आप प्रिपरेशन करें। कैम्ब्रिज लेवल आने वाला है, इसलिए पहले कैम्ब्रिज की प्रिपरेशन करें, लेकिन IELTSFever.com IELTSMaterial.com ज़रूर करें, बिकॉज उसमें से ज़्यादा रीडिंग पैसेजेस आते हैं। उसके बाद है हमारे पास जनरल की रीडिंग, जिसमें कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आएगा, देन येस नो नॉट गिवन आ सकते हैं, देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड फिलअप्स। इसका भी लेवल मॉडरेट ही रहने वाला है। राइटिंग टास्क के लिए अभी आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले है टास्क वन जो कि जनरल के लिए है, दैट इज़ फॉर्मल लेटर्स, और जो टास्क वन जो एकेडमिक के लिए, दैट इज़ मैप, बार, टेबल या लाइन ग्राफ। टास्क टू के लिए हमारे पास टॉपिक्स है स्पोर्ट या फिर एक्सरसाइज, फैमिली या चिल्ड्रन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन। देन वी हैव मीडिया, टूरिज्म एंड सोशल इशूज। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन सी टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसअग्री, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, प्रॉब्लम सोल्यूशन या फिर कॉजेज। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव में काउंट होते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल, अच्छे से प्रिपरेशन करें सो दैट आपका एग्जाम और भी अच्छा हो। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।